आज का है, तो अभी हम निकलेंगे हम लोग बस स्टेशन आज के लिए। फाइनली हम लोग ISBT पहुंच गया है, तो यहाँ से अभी हम लोग 9 बजे निकलेंगे मेघालय की, और वहाँ पे भैया और दीदी आगे आगे जा रहे हैं सामान को लेके। अभी मैं उससे भी मिलाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस हम लोग ISBT बस स्टेशन पहुंच गया है। उसके बाद मैं आप लोग को बताया था कि एक दीदी से मिलाएगा बोल के, जिसका घर में हम लोग जा रहा है। तो ये है, ये दीदी का नाम है बालश्री संगमा। तो इनका ही हम लोग घर जा रहे हैं कुछ काम के लिए। वो क्या काम है मैं आप लोगों को उधर जाके बताऊंगा। तो हम लोग मेघालय बोल के भी नहीं है, आप लोगों को पहले से हम बोल रहा था कि मेघालय जाएगा बोल के। मेघालय हम लोग मेघालय नहीं जा रहे, मेघालय ही है, लेकिन एक गांव है जिनका नाम है दालू। तो है ना, तो दालू गांव है बांग्लादेश बॉर्डर का सामने में। तो अभी हम आज हम लोग निकलेंगे 9 बजे का है ना, 9 बजे का है। तो वहाँ पे सुबह हम लोग 5 बजे पहुँच जाएगा ना, 5 बजे पहुँच जाएगा। तो वहाँ में भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, और अभी भी मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद में आगे का ब्लॉग क्या होता है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे, आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। चलो तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं मेघालय दालू लेज की ओर। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचा है पायखाना, आसाम में पहुंचा, अभी जस्ट पहुंचा। अभी रात का बज रहा है 11:44। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाना खाने रुके हैं 20 मिनट्स का बाद में खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे मेघालय की ओर। तो गाइस अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को बात करते हैं। अच्छा, तो ये रहा हम लोग का डिनर। भैया ने राइस ऑर्डर किया है, मैंने रोटी दाल सब्जी सब कुछ है। तो चलो गाइस खा लेते हैं। डिनर खत्म, मेरा खत्म, भैया का खत्म। तो अभी चलते हैं मेघालय की ओर। एंड भैया जो वहाँ पे डिनर का पैसा पेड कर रहे हैं। मॉर्निंग गाइस, तो गाइस आफ्टर 9 घंटे के बाद में हम लोग पहुँच गया दालू। तो अभी घर तो नहीं पहुँचा, तो अभी हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं। वेट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे, और 5 किलोमीटर है, तो थोड़ा अंदर है, बस की तरफ है। तो हमें पहुँच जाएगा, पहुँचने के बाद में दीदी लोग का मम्मी लोग को मिलेंगे, बात करेंगे, आप लोग को मिलाएंगे, ठीक है। चलो ताकि दुआ रखा डी डी मेरा भी पूरा हालत खराब, पूरा मुझे आज तक भी नहीं सोया। हां मैं तो रात को नहीं सोया, ऐसे ही है। तो बहुत थक चुका है, पक चुका है, अभी जाके वहां पे रेस्ट करना है, फ्रेश होना है, उसका ड्रेस करना है। तो चलो फिर आप लोगों को बाद में मिलते हैं, ठीक है। चलो चुका है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं दीदी के घर। तो वहां में जाके आप लोगों को दीदी लोग से, दीदी लोग का मम्मी पापा लोग पापा सबसे मैं मिलाऊंगा, ठीक है। चलो तो फिर तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गया है दीदी के घर। तो अभी मैं आपको मम्मी लोग से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो उसके सबसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। उसके बाद में दीदी का ये जगह को बोलता है, कॉमनली बोलता है सब लोग मेघालय, लेकिन असली जगह का नाम है दालू ना, दालू। उसके हमें गारो ट्राइब आदमी लोग होता है, तो दीदी लोग भी गारो है। तो दीदी लोग बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम भी आया था, नेक्स्ट टाइम हम लोग को इंट्रोड्यूस कराने का मौका नहीं मिला है, उनको इंट्रोड्यूस कराने का मौका नहीं मिला है, तो अब मिला है, तो मैं अभी सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तो दीदी छोटा से दीदी का घर भी दिखाऊंगा, ठीक है, एक मिनट। तो ये है दीदी लोग का घर। तो और ये है
दीदी का पापा का गाड़ी, उसके बाद में ऐसा दिखता है दीदी लोग का घर, ये रहा। तो ये आंटी है जिनका जिनका पास हम लोग आया था, जो दीदी का पास हम लोग आया था, तो उनका मम्मी है। तो बहुत ही दिनों का बाद मिला है उसका। नेक्स्ट भी हम लोग आया था, उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है। आंटी ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाता हमको। तो अंकल तो नहीं है ना, अंकल तो मेगा शिलोंग गया है, तो शिलोंग से आने के बाद मैं आप लोगों को मिलाऊंगा। उसके बाद बाकी दीदी लोग है, उन लोग से भी मैं मिलाऊंगा। दीदी लोग वहाँ किचन में काम कर रहा है, मैं अभी उन लोग से मिलाऊँ, ठीक है, चला था फिर। तो ये रहा दीदी लोग का किचन। उसके बाद में ये जो हम लोग जिन दीदी का पास आया था, उसका छोटी बहन है ना, बड़ा बहन है, छोटी बहन है। हाय। तो दीदी जो हम लोग के लिए थोड़ा कुछ खाना वाना बना रहा है, तो अभी हम लोग फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है, चला। उसके बाद गाइस ये जो बहन है, ये छोटी बहन है, आई मीन बालश्री का फैमिली में तीन जन है लड़की, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। तो ये कल स्कूल गया था, तो शाम को आया था, मतलब आई मीन 4 बजे आया, तो इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो अभी मैं जस्ट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो आपका नाम? लवली टीचियांग ए संगमा। लवली टीचियांग ए संगमा। तो बहन लोगों ना थोड़ा मतलब हिंदी नहीं आता, तो इसलिए तो ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछते हैं, तो जस्ट इनका नाम है, तो ये इनका नाम है लवली टीचियांग ए संगमा। तो बहुत ही सुंदर नाम है, तो चलो। गाइस अंकल भी शिलोंग से यहाँ पे पहुँच गया। मैंने सोचा कि सबको इंट्रोड्यूस कराए, सबको इंट्रोड्यूस कराए, तो घर वालों को सबसे इंट्रोड्यूस कराए, तो सोचा अंकल को भी इंट्रोड्यूस करा दो। तो अंकल जी, मेरा यूट्यूब फैमिली को अपना नाम बताइए। नाम बताइए आपका। हमारा नाम त्रिनित आरमरक। त्रिनित आरमरंग ना। ओ, तो अंकल का नाम है त्रिनित आरमरंग आरमरंग। तो ऐसा होता है गाइस, गारो ट्राइब में, उसके बाद मिजो ट्राइब में, उसके बाद में नागा आदमी लोग का नाम ना प्रोनाउंस करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। उनका नाम इतना लंबा होता है, लेकिन बहुत अच्छा नाम होता है। तो अंकल जैसे शिलोंग से शाम को पूछा है, उसके बाद में अंकल ने डायरेक्ट शुरू हो गया अपना गाड़ी को सफा करने के लिए। तो अंकल गाड़ी सफा कर रहा था, तो मैंने सोचा अंकल को इंट्रोड्यूस करा दो, तो चले अंकल अपना गाड़ी सफा करिए। तो आपने मैंने आप लोगों को अंकल से इंट्रोड्यूस करा है, तो गाइस ये था, चलो फिर। तो गाइस सुबह हम लोग गुवाहाटी से यहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद में आप लोगों को मैंने दीदी का मम्मी लोग से मिलाया। मिलने के बाद में तो हम लोग फ्रेश होने के बाद गाइस बदन इतना दर्द दे रहा था, इतना थक गया था। थकने के बाद में अभी जस्ट होके उठा, फिर से मुँह हाथ धुलाया। मुँह के बाद में आंटी लोग ने बोला कि बेटा खाना खा लो बोल के, तो आंटी लोग ने इतना प्यार से इतना सारा खाना सब्जी लोग बनाया, तो देख के मुँह में पूरा पानी आ रहा है। तो अभी हम लोग डिनर खा लेते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊँगा क्या क्या बनाए, ठीक है, एक मिनट। तो गाइस ये रहा, तो दीदी लोग ने बनाया चावल, उसके बाद में ये है अंडा, के बाद में ये इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, ये बोरी बोलते हैं क्या हम लोग, बोरी फ्राई किया। उसके बाद में ये है आप लोग का पास ऐसे क्या होता है, ये बॉइल सब्जी है, करू पत्ता। उसके बाद में यहाँ पे है दाल, उसके बाद में ये है, इसको हम लोग गले में से बोलते हैं ओनियन। उसके बाद में ये है ड्राई चिल्ली और ओनियन ग्रीन चिल्ली। तो ये सब है डिश। तो एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे दीदी देखो मछली फ्राई कर रहा है। तो इतना सारा सब्जी बनाया, डिश बनाया, तो दीदी को मछली फ्राई करने देते हैं, हम खाते रहेंगे, चलो। इस तरह का आप दिख रहे हैं, दिखने देगा कि तो गाइस जस्ट अभी लंच खा के कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में गाइस मैं क्या सोचा था पास में, सब्जी उब्जी इतना टेस्टी दिख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मतलब थोड़ा खाओ बोल के, तो ऐसे भी मोटू हो रहा है, तो थोड़ा खा के इतना ज़्यादा खा दिया, पूरा गाइस पेट पूरा
टाइट टाइट हो इतना तक आ गया पूरा। उसके बाद में भैया तो डायरेक्ट खा के पूरा फूल हो गया, रूम में रेस्ट करने के लिए चला गया। तो गाइस मैंने बहुत कोशिश किया आप लोगों को ये ब्लॉग बना के दिखाने के लिए, थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप बनाया, उसको मैं बाद में एडिट करके आप लोग अपलोड कर दूंगा। उसके बाद में गाइस दीदी को थैंक यू सो मच, मम्मी को थैंक यू सो मच इतना अच्छा लंच खिलाने के लिए। उसके बाद में अगर गाइस आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा तो थोड़ा से भी अच्छा प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।